दोस्तों पंजाब विच अज चार वख वख भर्तियां लई नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जी। दोस्तों जेकर तुसी 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन डिग्री डिप्लोमा कंप्लीट किया तो तुहाडे लई बहुत ही वधिया मौका आ चुका जी। अप्लाई जरूर करो जी। अप्लाई तुसी करना कि मैं ते कौन कौन अप्लाई कर सकदा सारी जानकारी डिटेल च देंगा। कृपा करके वीडियो नूं लास्ट तक जरूर देखियो। दोस्तों जेकर तुसी मेरे चैनल ते पहली बार विजिट कर रहे हो तो नीचे तुहानूं ब्लैक कलर का सबसक्राइब बटन दिख रहा होगा, उन्होंने दब के तुसी चैनल नूं सबसक्राइब कर लेना जी। नाल ही तुहानूं बैल आइकन दिख रही होगी, उन्होंने दब के तुसी आल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना जी। दोस्तों पंजाब स्टेट भी जदों भी नवीं भर्ती आए उसकी जानकारी सब तो पहले तुहानूं मिल सके। चलो दोस्तों वीडियो शुरू कर दें। दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 1 जी, नोटिफिकेशन जारी किया गया जी आर्मी पब्लिक स्कूल पटियाला वाला नोटिफिकेशन जारी किया गया जी। दोस्तों बिल्कुल फ्रैश भर्तियां ने जी अज नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं जी। दोस्तों होर भी जानकारी लई तुसी इन्हां दी ऑफिशियल वैबसाइट जां इन्हां दे हैल्पलाइन नंबर ते कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकोगे। दोस्तों पोस्टां डिटेल कुछ इस प्रकार है जी। पोस्ट नंबर 1 है जी TGT, सब्जेक्ट है जी इंग्लिश मैथमैटिक्स साइंस एंड सोशल साइंस। नंबर 2 है जी TGT, सब्जेक्ट है जी काउंसलर। नंबर 3 है जी TGT, सब्जेक्ट है जी स्पेशल एजुकेटर। नंबर 4 है जी TGT, सब्जेक्ट है जी कंप्यूटर टीचर दी। नंबर 5 है जी PET, सब्जेक्ट है जी फिजिकल एजुकेशन टीचर दी पोस्ट है जी। BRT आल सब्जेक्ट। IT सुपरवाइजर, लाइब्रेरियन, नर्सिंग असिस्टेंट, साइंस लैब असिस्टेंट, कंप्यूटर लैब टेक्नीशियन दी पोस्टां लई तुसी अप्लाई कर सकोगे। दोस्तों इन्हां पोस्टां लई जो नवे उम्मीदवार अप्लाई करते हैं उन्हां दी उम्र 40 साल तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिन्हां कोल एक्सपीरियंस है उन्हां दी उम्र 57 साल तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं जी। दोस्तों क्वालिफिकेशन CBSE के अनुसार होगी जी। जो उम्मीदवार TGT या PRT अप्लाई करेंगे जी उन्होंने CSB क्लीयर किया होना जरूरी है जी। जो उम्मीदवार TGT PRT लिए अप्लाई करेंगे जी उन्होंने CTET या TET पास किया होना जरूरी है जी। अप्लाई तुसी करना किवें जी? दोस्तों अप्लाई करने लई तुहानूं एक एप्लीकेशन फार्म की जरूरत होगी। एप्लीकेशन फार्म तुसी इन्हां दी ऑफिशियल वैबसाइट तो डाउनलोड कर लेना जी। डाउनलोड करने तो बाद अटैचड कॉपीज सर्टिफिकेट्स दियाँ नाल लगा के और एप्लीकेशन फीस रखी है 100 रुपया, जिहदा तुसी बनाना जी डिमांड ड्राफ्ट तुसी बनाना जी आर्मी पब्लिक स्कूल पटियाला दे नाम ते बनाना होगा। एड्रैस तो मैनशन किया गया जी प्रिंसिपल APS पटियाला दे एड्रैस ते 31 जनवरी 2023 तक तुसी अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हो जी। जो तुसी बनाना जी डिमांड ड्राफ्ट बनाना तुसी आर्मी पब्लिक स्कूल पटियाला दे नाते बनाना होगा। लास्ट डेट दोबारा फिर दस देना जी 31 जनवरी 2023 तक तुसी ना पोस्टां लई अप्लाई कर सकते हो जी। दोस्तों इन पोस्टों लिए जो उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे जी उन्होंने कॉल द्वारा या मैसेज द्वारा सूचित करता जाएगा इंटरव्यू वास्ते। इंटरव्यू अटेंड करने तो कोई TAT का भुगतान नहीं किया जाएगा। चलो दोस्तों आप चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 2 के उपर। दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 2 जी, नोटिफिकेशन जारी किया गया जी नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूपनगर रोपड़ पंजाब वालों नोटिफिकेशन जारी किया गया जी। दोस्तों पोस्टा कॉन्ट्रैक्ट बेस से अनाउंसमेंट किए गए जी। पोस्टों डिटेल कुछ इस प्रकार है जी। पोस्ट नंबर 1 जी कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट है जी। पोस्ट है जी 1 12641 रुपये प्रति महीना सैलरी दी जाएगी। यह पोस्ट मोहाली वास्ते अनाउंसमेंट की गई है जी। पोस्ट नंबर 2 है जी सीनियर प्रोग्रामर की पोस्ट है जी। पोस्ट है जी 1 35 हज़ार रुपया प्रति महीना सैलरी दी जाएगी। यह पोस्ट रोपड़ वास्ते अनाउंसमेंट की गई है जी। पोस्ट नंबर 3 है जी सीनियर नैट डेवलपर की पोस्ट है जी। टोटल पोस्टों ने जी 2 55 हज़ार रुपया प्रति महीना सैलरी दी जाएगी। यह पोस्ट मोहाली वास्ते अनाउंसमेंट की गई है जी। पोस्ट नंबर 4 जी लीगल एक्सपर्ट की पोस्ट है जी। पोस्ट है जी 1 1 लाख रुपया प्रति महीना सैलरी दी जाएगी। यह पोस्ट पटियाला वास्ते अनाउंसमेंट की गई है जी। पोस्ट नंबर 5 है जी इकनोमिक एक्सपर्ट की पोस्ट है जी। पोस्ट है जी 1 1 लाख रुपया प्रति महीना सैलरी दी जाएगी। यह पोस्ट पटियाला वास्ते अनाउंसमेंट की गई है जी। दोस्तों अप्लाई तुसी करना किवें जी? अप्लाई तुसी करना जी ऑफलाइन। अप्लाई करने तो एक एप्लीकेशन फार्म की जरूरत होगी। एप्लीकेशन फार्म तुसी इन्हां दी ऑफिशियल वैबसाइट तों डाउनलोड कर लेना जी। वैबसाइट इत्थे मैनशन की गई है जी। इस वैबसाइट पर जाके तुसी एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड कर लेना जी। डाउनलोड करने तो बाद चंगी तरह पढ़ के फिलअप करके अपने डॉक्यूमेंट्स सारे दे नाल लगा के एड्रैस से मैनशन किया गया। इस एड्रैस से तुसी अपने डॉक्यूमेंट्स भेज देना जी। होर बतेरी जानकारी तुसी इन्हां दे हैल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हो जी। चलो दोस्तों आप चलते हैं नोटिफिकेशन नंबर 3 के उपर। दोस्तों नोटिफिकेशन नंबर 3 जी, नोटिफिकेशन जारी किया गया जी पंजाब एग्रो इंडस्ट्रीज़ कारपोरेशन लिमिटेड चंडीगढ़ वालों नोटिफिकेशन जारी किया गया जी। होर बतेरी जानकारी लई तुसी इन्हां दे हैल्पलाइन नंबर पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकोगे। नियुक्तियां दोस्तों पोस्ट है जी मैनेजर की पोस्ट लई तुसी अप्लाई कर सकते हो जी। पोस्ट है जी 1 तनखा तुसी गलबात नाल तय कर लेनी है जी। ये पोस्ट पहले 3 साल लई अनाउंसमेंट की गई है जी, बाद विच उहदा समय अगे बढ़ा दिता जाएगा। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन
ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਜੀ? ਜੋ ਚਾਹਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਮੇਲ ਆਈ ਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਐਡਰੈਸ ਉੱਪਰ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਐਡਰੈਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 31/1/2023 ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਚਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੇ ਉੱਪਰ। ਦੋਸਤੋ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਜੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਂਡ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਬਠਿੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਪਲਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ ਆਫਲਾਈਨ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦਾ ਲਿੰਕ ਪਲੱਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅਟੈਚਡ ਕਾਪੀਆਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਐਡਰੈਸ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਭੇਜ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ 21/1/2023 5:00 PM ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਪੋਸਟਾਂ ਡਿਟੇਲ ਕੁਛ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਪੋਸਟ ਨੰਬਰ 1 ਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਵਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ 5, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ 10ਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਜੀ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਪੋਸਟ ਨੰਬਰ 2 ਆ ਜੀ 84 ਦੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਜੀ। ਟੋਟਲ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ 2, 18,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸੈਲਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ 8ਵੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਜੀ 18 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 35 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹਨਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਟਾਈਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ। ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਰਵਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੁਛ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਟਾਰਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ 23/1/2023 ਤੋਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 24/1/2023 ਨੂੰ, ਐਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਲ ਤੱਕ। 25/1/2023 ਨੂੰ, ਐੱਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰ ਤੱਕ। 27/1/2023 ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈੱਡ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਟੈਸਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ। ਨੰਬਰ 2 ਜੀ 84 ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਜੀ 30/1/2023 ਤੋਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। 31/1/2023 ਨੂੰ, ਐਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਲ ਤੱਕ। 1/2/2023 ਨੂੰ, ਐੱਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਰ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। 2/2/2023 ਨੂੰ, ਇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੈੱਡ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਓਰੀਜਨਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਪੋਸਟਾਂ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਲਿਫਾਫੇ ਭੇਜਣੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ। ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, 21/1/2023 ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਮੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਐਡਰੈਸ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਭੇਜ ਸਕੋਗੇ। ਦੋਸਤੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਰਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।